नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल की महादशा के विषय में। मंगल की महादशा मीन लग्न की कुंडली के जातकों को चलेगी तो कैसे फल या क्या परिणाम देगी, इस बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा सटीक उपाय, ऐसे सटीक उपाय जिन्हें करने से यदि कहीं मंगल की महादशा किसी तरह से खराब फल देने वाली है तो खराब फलों में जरूर से कमी या कटौती कर लेगी। यहां पर आप जो कुंडली देख रहे हैं ये मीन लग्न की कुंडली है। क्यों? क्योंकि इस कुंडली के लग्न पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर का मतलब क्या? 12 नंबर का मतलब मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु, गुरु और मंगल की अति मित्रता है। और जहां आप एक नंबर देख रहे हैं वो कुंडली का दूसरा स्थान है, द्वितीय भाव है। एक नंबर का मतलब क्या? मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल। तो मंगल जो है वो मीन लग्न की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। जहां एक नंबर लिखा हुआ दूसरा भाव, दूसरे भाव के स्वामी मंगल। और जहां 8 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है वो है कुंडली का नवा स्थान, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस का मतलब भाग्य भाव। यदि कोई ग्रह लग्नेश के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है तो वो होता है भाग्येश। और 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। तो मंगल भी भाग्येश हो जाते हैं। मंगल भाग्येश जब हो जाते हैं मीन लग्न की कुंडली में तो बहुत ही ज्यादा या कहें अति योगकारक ग्रह का दर्जा रखते हैं। अति योगकारक नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली प्लैनेट और कुंडली का बहुत ज्यादा अच्छा चाहने वाले ग्रह, बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले ग्रह। भाग्येश देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, भाग्य भाव के स्वामी। मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि भाग्य का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। कोई एक व्यक्ति जो है वो, आपने कई बार ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करने पर कोई पाता है और कोई बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, बैठा रहता है, बाप दादाओं की संपत्ति है या फिर नाम बना करके रखा हुआ है और उनके बलबूते पर ही पा लेता है। तो ये क्या है? ठीक है, पाया, दोनों ने मेहनत करके भी पाया, एक ने बैठे बैठे पाया, ये क्या है? बैठे बैठे पाने वाले का भाग्य बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। कई बार अनफॉर्चुनेटली ये भी देखा गया है कि भाग्य के भरोसे ही पाया जाता है, बिना भाग्य के आपको चीजें नहीं मिलती है। कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं जो अपने माता पिता या फिर पैतृक पितृक जो उनकी संपत्ति है, संपत्ति का मेरा मतलब ये कि उन्होंने जो नाम कमा करके रखा है उसके बलबूते पर बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष बने बैठे हैं, बड़े बड़े रोल प्ले कर रहे हैं और वहीं बहुत अच्छी मेहनत करने वाले लोग भी आगे नहीं आ पा रहे हैं उन्हीं पार्टियों में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई लोग इस बात को समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखिए यहां पर मैं भाजपा, कांग्रेस, आप या किसी पार्टी को बीच में लाने का कोशिश नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भाग्य जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जब भाग्य महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है तब आपकी उन्नति निश्चित हो जाती है, होना ही होना है, ये हो जाती है। या मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कर्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। देखिए एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक कर्म है, एक भाग्य। भाग्य का पहिया यदि बहुत ज्यादा मजबूत है ना तो कर्म का पहिया थोड़ा लूज भी रहेगा तो चल जाएगा। तो भाग्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और भाग्य जो हो जाते हैं वो मंगल हो जाते हैं। अभी यहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मंगल के क्या फल मिलेंगे मीन लग्न की कुंडली में, मंगल के क्या फल अपनी महादशा में मिलेंगे। महादशा जब मंगल की चल रही होगी तो फल क्या मिलेंगे चर्चा करते हैं। देखिए सामान्यतः मंगल बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देते हैं, भाग्य को मजबूत करने का काम करते हैं। धनेश है, दूसरे भाव के स्वामी है ना, धन भाव के स्वामी धनेश, तो धनेश है तो भी बहुत अच्छे धन के दृष्टिकोण से फल देते हैं। द्वितीय भाव को परिवार का स्थान भी कहा जाता है, परिवार के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा फल देखने को मिल जाता है, सामान्यतः है। लेकिन विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जब मंगल के खराब फल देखने को मिले। कौन सी स्थिति? यदि मंगल कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें स्थान पर हो, जहां लाल रंग आपको दिख रहा है, जहां रेड कलर आपको दिख रहा है, यदि वहां पर मंगल आकर के बैठेंगे और मंगल की महादशा चलेगी निसंदेह खराब फल देंगे।
जहां येलो रंग आपको दिख रहा है वहां पर मंगल हो जाते हैं नीच राशि, चार नंबर के साथ कर्क राशि के साथ मंगल नीच राशि होते हैं और नीच राशि ग्रह सामान्यतः कोई भी अच्छे फल नहीं देते। अब यहां पर भी एक कंडीशन है कि नीच भंग राजयोग की स्थिति बन गई तो बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे, इस वजह से मैंने येलो रंग वहां पर दे करके रखा है। येलो का मतलब पहले देखो परखो समझो उसके बाद में कोई निर्णय लो। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि मंगल चार नंबर के साथ तो है लेकिन निजता भंग होती है कि नहीं। यदि निजता भंग नहीं होती तो निसंदेह बहुत खराब फल देंगे, निजता भंग हो जाती है तो निज भंग राजयोग जैसे बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन जहां रेड है तो रेड इज डेंजर, हमेशा ही खराब फल उन्होंने देना है यदि वहां पर आकर के बैठ गए और महादशा चल पड़ी तो। अब खराब फल मिलेंगे अच्छे फल मिलेंगे ये तो समझ लिया, लेकिन क्या खराब फल मिलेंगे क्या अच्छे फल मिलेंगे इस बात को समझते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि भाई भाग्यश है मंगल धनेश है मंगल, तो इसका मतलब ये होता है कि मंगल की महादशा चलने पर भाग्य मजबूत हो जाए, थोड़ा सा काम किया जाए और बहुत ज्यादा पा लिया जाए, बहुत ज्यादा गेन मिले, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिले, बहुत ज्यादा धन मिले, बहुत अच्छे अंक मिले यदि एग्जाम दे रहा है। देखो जिसका जो एक रोल है उस रोल में उसका भाग्य मजबूत होगा तो उसी रोल में उसको मिलेगा। कोई स्टूडेंट है कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको उसमें धन में वृद्धि थोड़ी ना होगी, आय में वृद्धि थोड़ी ना होगी। हाँ प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है अच्छे अंक आने की वजह से, लेकिन अंकों में वृद्धि होगी तो ही अच्छे प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो निसंदेह भाग्य में वृद्धि स्टूडेंट की होगी तो अंक में वृद्धि होगी, अच्छे अंक से वो किसी भी एग्जाम को पास करेगा उत्तीर्ण होगा और कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है तो इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। नौकरी कर रहा है भाग्य में वृद्धि होगी का मतलब ये कि नौकरी में अच्छी तरह से सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छी तरह से इंसान आगे बढ़ेगा। यदि हम बिजनेस में भाग्य में वृद्धि की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक कोई सा भी डिसीजन लिया गया तो डिसीजन बहुत सक्सेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई डिसीजन बिजनेस में कई डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें से कई डिसीजन फेल भी हो जाते हैं कई पास भी हो जाते हैं। जो डिसीजन सक्सेस होते हैं कहे पास होते हैं उसमें ऑब्वियसली सक्सेस मिल जाती है और इंसान जो है आगे बढ़ जाता है, लेकिन कई डिसीजन फेल भी तो होते हैं। शेयर मार्केट को ले लेते हैं, शेयर मार्केट भी एक प्रकार का बिजनेस है भाई, किसी के बिजनेस में पैसा लगाना भी तो बिजनेस है। अभी मैंने कोई शेयर लेकर के शेयर परचेस किया, वो अच्छी कंपनी दौड़ रही थी, हाल ही की बात करें कि यस बैंक का अभी बहुत चर्चा में है, तो बहुत अच्छी कंपनी दौड़ रही थी दूसरों को सुन करके, और चूंकि इतना बड़ा बैंक है तो उसका शेयर ले लिया और लेकर के रखा, और जब लिया उसके अगले दो तीन दिन चार दिन बाद जो है वो धड़ाम से गिर पड़ा है। अभी जहां वो था जहां से वो गिरा वहां पर वापस आना पता नहीं कितने साल की बात है। तो ये क्या है, ये किस्मत है ना भाई, डिसीजन कोई गलत थोड़े ना लिया था। बहुत लंबे वक्त से वो बैंक आगे बढ़े जा रहा था, उस समय उसका शेयर ले लेना कोई गलत सौदा नहीं था, लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी नहीं होने की वजह से धड़ाम से उस समय वहां पर गिर पड़ी और उसके बाद में जो है वो दिक्कतें आने लगी। तो इस तरह की किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसी वजह से हर कोई उस लेवल पर सक्सेस नहीं हो पाता जिस लेवल पर बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री केवल एक ही बन सकता है, इसका क्या मतलब, देश में दूसरे प्रधानमंत्री बनने के कोई किसी के पास बुद्धि नहीं है किसी के पास ज्ञान नहीं है। कई लोग बहुत ही कम नंबर से फर्स्ट आ जाते हैं, कई रेस में भी बहुत छोटे से नंबर से फर्स्ट कोई लोग आ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब जो सेकंड आया वो फर्स्ट आने लायक नहीं था। भाग्य भाग्य की बात भी रहती है, जरूरी नहीं कि उसने मेहनत कम की थी जो सेकंड आया है, है ना। तो भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और निसंदेह भाग्य में वृद्धि मंगल यहाँ पर करते हैं जब उनकी महादशा चलती है तो। लेकिन लेकिन यदि मंगल वहां बैठे जहां चार नंबर लिखा हुआ है जहां नीच राशि स्थित है और नीचता भंग हो गई तो निसंदेह नीच भंग राजयोग और फिर भाग्य में वृद्धि करना धन में वृद्धि करना परिवार में बहुत अच्छा माहौल रखना ये काम होगा मंगल का। लेकिन यदि कहीं मंगल नीच राशि स्थित हो गए निजता भंग नहीं हुई और जहां लाल रंग है कुंडली के छठवें आठवें बारहवें भाव में वहां मंगल हो गए तो जातक को क्रोध गुस्सा चीड़ एंजाइटी डिप्रेशन वाद विवाद जैसी स्थितियों में डालने का प्रयास करेंगे। मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है और एग्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। एक एग्रेशन बहुत अच्छा भी होता है, ऐसा एग्रेशन जो कि हमारा अच्छा करे, कैसा उदाहरण के तौर पर हमें ये करना है मतलब करना है। एक ऐसा एग्रेशन कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो आप नहीं देख सकते हैं उस अन्याय से बचाए, एक ऐसा एग्रेशन जो हमारी भारतीय सेना के पास है हमारी रक्षा करती है वो,
यदि भारतीय सेना के पास एग्रेशन नहीं होगा तो क्या आप और हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर पाएंगे? क्या बोल पाएंगे? क्या शांति से खाना खा पाएंगे? क्या शांति से सो पाएंगे? क्या शांति से हमारे परिवार जो है वो रह पाएगा? नहीं, तो उनका एग्रेशन बहुत ज़रूरी है ना। तो वो एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा एग्रेशन होता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और वो मंगल ही रखते हैं। लेकिन कुछ एग्रेशन ऐसे भी होते हैं जो कि सत्यानाश करने का काम करते हैं। फिजूल में गुस्सा, जल्दी से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, फिजूल में किसी का भी विरोध करने लगना, या जो आतंकवादियों का एग्रेशन है, अभी क्या एग्रेशन किस काम का है? लोगों को नुकसान पहुंचा करके क्या करना है? तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां भी मंगल पैदा करते हैं। एक खराब एग्रेशन था, एक अच्छा एग्रेशन था। जब मंगल खराब होते हैं, जब मंगल वहां बैठते हैं जहां जहां नीच राशि स्थित हो गए, या कुंडली के छठे आठवें या बारहवें भाव में हो गए जहाँ लाल रंग है, तो खराब एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं वाद विवाद होकर के परिवार से विच्छेद करने का काम करता है। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में भी घाटा करेंगे, भाग्य में हानि करेंगे, धन में हानि करेंगे, धन में लॉस करने का काम करते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। बिजनेस करने की सलाह भी मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ मंगल की महादशा में। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए भी बड़ी हानि का ये समय रहता है। कॉन्सेंट्रेशन सही से नहीं बैठ पाता और अच्छे अंक नहीं आ पाते और जिस वजह से फिर उसका लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाता। दूसरों के सामने खुद को जो है रिप्रेजेंट जो करना होता है वो नहीं कर पाता। तो इस तरह के खराब योग मंगल बनाते हैं। जब वो खराब होते हैं उस तरह के अच्छे योग भी बनाते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब वो अच्छे होते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली अच्छे फल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, खराब फल कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। इस वजह से शुरुआत में मैंने कहा था कि मंगल सामान्यतः अच्छे ही फल देते हैं, विशेष परिस्थितियों में खराब फल देते हैं। अब हम ये समझते हैं कि भाई क्या उपाय किया जाना चाहिए। यदि मंगल खराब फल दे रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए? तो आप एक काम ये करें कि YouTube चैनल पर जाइए, VS Astrology YouTube चैनल पर जाइए। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे। उन प्लेलिस्ट में से एक प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, सभी ग्रहों के सटीक उपाय। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर आपको 9 वीडियोस मिलेंगे और 9 वीडियोस में से एक वीडियो मंगल ग्रह का सटीक उपाय, उसमें जाइए। उसमें जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा फॉलो करिए। मेरा विश्वास है कि मंगल ग्रह जो भी खराब फल आपको दे रहे हैं उन खराब फलों में जरूर से कमी या कटौती कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा मंगल की महादशा के फल के बारे में, कब अच्छे फल, कब खराब फल, कहाँ अच्छे फल, कहाँ खराब फल, क्या विशेष परिस्थितियां, क्या सामान्य परिस्थितियां, क्या उपाय किए जाना चाहिए जिनसे अच्छे फल देखने को मिल सके यदि खराब फल मिल रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।